Nadia Khan, and you are watching Philip's Healthy Kitchen Eat Without a Worry Season 1. As you all know, कि हम तो surrounded हैं भाई technology से, हर तरफ technology, machinery, जिससे हमारी जिंदगी काफी आरामदेह हो गई है और वक्त बचने लगा है. इसी तरह Philip's लेके आया है आपके लिए amazing kitchen appliances. इनोवेटिव अप्लायंसेज जिससे किचन में भाई बहुत आसानी हो गई है. खाना पकाते वक्त टाइम बचता है, जो खाना बनता है ज़्यादा हेल्दी बनता है और जो कुछ भी बनता है भाई किसी भी बेकरी और रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े का बनता है. तो इस सीज़न में देखिए बहुत ही मज़ेदार फास्ट रेसिपीज़ और ये बनाएंगी हमारी मास्टर शेफ अमारा. अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया नादिया आपका. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. तो क्या होने वाला है भाई इन एपिसोड्स में? भाई इन एपिसोड्स में आपको पता है कि 2020 स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो हमारा मेन गोल है इस बार कि हमने कैसे फिट स्मार्ट और हेल्दी रहना है. ट्रू. अच्छा तो हमारा ये कहा जाता है कि हाथ से जो खाना बनता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है. अगर हम बहुत सारा मशीनरी का इस्तेमाल करें अप्लायंसेस का तो खाने का वो टेस्ट नहीं रहता. इज दैट ट्रू? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम जो अभी जो रेसिपीज डिज़ाइन की हैं और जो हम बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी बनेंगे और साथ में बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे. माय गॉड, चलें भी सामने बनाएंगे पता चल जाएगा. और साथ में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ से होगी एक हेल्दी गपशप. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू टुडे? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त. आप सुनाइए. मैं भी ठीक हूँ, आपसे बहुत सारी बातें करनी है. तो डॉक्टर साहब 2020 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. ऑफ कोर्स. तो इसमें लोगों के टॉप हेल्थ कंसर्न्स कौन से हैं? जी अभी मैं इसके बारे में ही पढ़ रहा था और इसमें दो तीन चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की हैं. एक ये है कि हमें हेल्दी रहना है, स्मार्ट नज़र आना है और तीसरा हमें डिजीज़ फ्री रहना है. क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमारी पॉपुलेशन में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. अच्छा तो इसमें फूड और डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए इसमें फूड और डाइट का सबसे ज़्यादा सेंट्रल रोल है, ख़ास तौर पर जो हमारा फैट मेटाबॉलिज्म और फैट इंग्रेडिएंट्स हैं वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अंदर एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और इसी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है. तो इसके कौन से नुकसान आते हैं ज़रा थोड़ा और एक्सप्लेन करें. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि हमें समझनी है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा ये प्रीमैच्योर एजिंग प्रोसेस में भी हमें ले जाती है. अगर हमारी फैट का कंटेंट ग़िज़ा में सही नहीं होगा तो हम प्रीमैच्योर एजिंग प्रोसेस में जा सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. मोर फैट एंड बैड फैट एजेस यू. यस ऑफ कोर्स. तो मेरे ख्याल में हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेस्ट. लेकिन डॉक्टर साहब व्हाट इफ हम कुछ ऐसी रेसिपीज पे काम करें, ऐसे खाने बनाएं जो कि हेल्दी भी हों और टेस्टी भी? ये तो बड़ी जबरदस्त आइडियल सिचुएशन होगी लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है. ये तो कमाल है, यही रोल आता है फिलिप्स के इनोवेटिव किचन अप्लायंसेस का जिसमें आपका टाइम भी किचन का कम होगा, हेल्दी खाने भी बनेंगे और मज़े के. और ये हम आपको आज के एपिसोड में दिखाएंगे विद मास्टर शेफ अमारा एंड माई सेल्फ. तो चिकन को खास एयर फ्रायर में बनाने का क्या फ़ायदा है? फिलिप्स एयर फ्रायर की खास बात यह है कि आप बगैर ऑयल के इसमें रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग सब कुछ कर सकते हैं. वंडरफुल. तो अभी हम क्या बना रहे हैं? आई कैन सी अ चिकन, होल चिकन राइट देयर. जी हाँ, आज हम बना रहे हैं होल रोस्ट चिकन इन फिलिप्स एयर फ्रायर और इसके अलावा हम बनाएंगे गार्लिक राइस इन फिलिप्स प्रेशर कुकर. अच्छा एयर फ्रायर में ये पूरी चिकन मेरे ख्याल में 3 घंटे तो लेगी ना, स्लो नाइसली? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. देखें अगर हम नॉर्मल कन्वेक्शन ओवन में बनाएं तो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर, लेकिन अगर हम इसमें बनाएंगे तो 50 मिनट्स में परफेक्ट बन जाएगी. 50 मिनट्स, दैट्स इट? जी जी दैट्स इट. चलें जी बनाते हैं फिर. और आप भी गौर से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए. सोया सॉस, ब्लैक पेपर, ऑरेंज जूस? जी जी ये ऑरेंज जूस और ये है लाल मिर्च. ऑरेंज जूस किस लिए? इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही लाइक एक इंटेंसिव मज़े का टेस्ट आता है. और ये चिली सॉस है, थोड़ा सा ज़रा खट्टा मीठा. जी 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 नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करेंगे. अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, अराउंड 2 टेबल स्पून. और वैसे अगर ये स्टोव पे बनती तो इसमें कितना ऑयल लगता? नहीं फिर तो इसमें काफ़ी ऑयल लगता है और वैसे ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो इसलिए इतना परेशान होने की बात कि हमारे कल्चर है भर के तेल डालना. जी 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 उसके बगैर कहते हैं ना जायका नहीं आता. हाँ, ये पता नहीं क्या ये कुक को कैसे समझाएं. अब ये सारी मैरिनेशन हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे. ये इसके अंदर मैं गार्लिक डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आएगा. और ये साथ में स्प्रिंग अनियंस है. ये यहाँ पे बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, लाइक उनको ब्लांच किया है और इसको भी हम इसके साथ ही थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें भी सॉस का फ्लेवर आ जाए. इसका साइज़ कितना ज़बरदस्त है,
जी हाँ, और आप देख सकते हैं कितनी कैपेसिटी है इसमें, अराउंड 1.4 केजीज ये होल्ड कर सकता है। और ये जो होल चिकन है ये इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगी, बल्कि इसके देखें साइड पे भी जगह है, तो ये जो वेजिटेबल्स हैं ये भी मैं इसके साइड पे रख दूँगी। तो ये आपका एक प्रॉपर मील तैयार है। अच्छा, मैं तो इसको डायरेक्ट बना रही हूँ, लेकिन आप इसको मैरिनेट करके 6 to 8 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा, अब हम इसको ये पावर बटन ऑन करेंगे इसका, और यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें ये 5 प्रीसेट्स कुकिंग प्रोग्राम्स हैं इसमें। यहाँ से मैं इसका टाइम सेलेक्ट करूँगी, 180 इसकी जो है हीट है। जी जी, और ये 50 मिनट्स पे मैंने कर दिया इसको, और ये इसका क्विक डायल बटन है, ये प्रेस करूँगी तो अब ये चलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, आफ्टर 15 मिनट्स इसको इसी सॉस से हम ब्रश करेंगे फॉर द क्रिस्पी स्किन, और ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। अब ये 15 मिनट्स के बाद ये सॉस से हम इसको ग्लेज करेंगे, और ये होल रोस्ट चिकन ये देखें बिल्कुल रेडी है फिलिप्स एयर फ्रायर में। ज़बरदस्त, लगने में तो परफेक्ट है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि एक आम जो तरीका है चिकन बनाने का और एयर फ्रायर में बनाने से हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे, डिफरेंस क्या है? जी नादिया, बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि जब हम डीप फ्राइड आइटम्स पे जाते हैं तो उसके अंदर फैट कंटेंट बढ़ जाता है, और इससे आपके स्टमक के ऊपर प्रेशर आता है और बहुत देर तक फूड आपके स्टमक में स्टे करेगी। तो एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी इस हवाले से बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी जो कुकिंग है वो एयर बेस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिनको हमें इख्तियार करना चाहिए। तो जी नादिया, अब हम बनाएंगे गार्लिक राइस, और उसको हम बनाएंगे फिलिप्स प्रेशर कुकर में। और इसमें बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है। यूजली क्या होता है कि हमें, आपको पता है कि घर में जो प्रेशर कुकर्स होते हैं उसमें हमें खुद बार बार घड़ी को देखना पड़ता है और सीटियों का इंतज़ार करना पड़ता है। खैर, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें डिजिटल प्रीसेट रेसिपी प्रोग्राम है। किचन का जो सबसे डेंजरस अप्लायंस है उसका अब आ गया है सब्स्टिट्यूट। वाओ, वंडरफुल, अब हम सब अपने घर में प्रेशर कुकर में बना सकते हैं खाना विदाउट बीइंग स्केयर्ड। तो मेरा ख्याल है फिर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ट्रू ट्रू। अब नॉर्मली जो दूसरे प्रेशर कुकर्स होते हैं आपको पता है उस पे जोर लगाना पड़ता है, फिर उसका वो भी ना रबड़ खराब हो जाता है, तेल मलना पड़ता है और रबड़ बदलवाना पड़ता है। खैर, ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल है। और ये देखें, ये नॉन स्टिक बॉडी है, और सबसे आसान इसको धोना, वॉश करना, जो बड़ा मसला होता है, और खाना वो लगेगा भी नहीं, जैसे जो कुकर में चिपक जाता है ना। जी जी, और बहुत इजीली ये वॉश हो जाएगा, तो बहुत इसकी बॉडी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करूंगी। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसके बटन्स बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ये डिजिटल प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं पहले इसमें रेसिपीज के, और मैं ये जो राइस का बटन है इसको मैं प्रेस करूंगी। दैट्स इट बस। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, तकरीबन कितना? जस्ट 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून। अच्छा, ये चॉप गार्लिक है 2 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसको हमने जस्ट इतना पकाना है कि लाइट गोल्डन हो जाए, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अच्छा देखिए नादिया, कितना जल्दी इसमें ब्राउन हो रहा है हमारा गार्लिक, ये भी नहीं कि इसको बहुत टाइम लग रहा है प्री हीट होने में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें इसका खास स्पेशल जो इसके स्पून्स हैं वो साथ ही आते हैं प्लास्टिक बॉडी के, मतलब इसमें आप जो कहते हैं मेटल का स्पून या आयरन का स्पून ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक बॉडी है इसकी। अच्छा, आपको ये सिस्टम अगर किसी और मेक में मिलता है, किसी और ब्रांड में, तो ट्रस्ट मी वो ऐसा काम नहीं करेगा। मैं ऐसी सिमिलर एक दो ब्रांड्स की चीज़ें देख चुकी हूँ एंड दे वर अ डिज़ास्टर। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है फिलिप्स की, कि ये कितना मज़े का जल्दी बन रहा है। अच्छा, मैंने अब इसमें 3 कप पानी शामिल किया, ठीक है, और जो चावल हैं वो 2 कप हैं, और इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए सोक किया था। दैट्स इट। यूजली हमें आधा घंटा या 40 मिनट्स के लिए करना पड़ता है, लेकिन हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी भी इसमें कम इस्तेमाल किए। अच्छा, ये मैंने नमक 2 टीस्पून शामिल कर दिया इसमें। हमारा ये कितनी देर में राइस बन जाएगी, 2 कप्स ऑफ राइस? अच्छा नादिया, देखें इसमें जैसे पहले से ही ये प्रीसेट रेसिपी प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मैंने प्रेस किया तो लाइक 14 मिनट्स। हाँ। तो इसको मैं बंद करती हूँ। अच्छा, अब ये जो विसल रेडिएटर है इसको मैं इस साइड पे ले आऊँगी, ताकि जो इसमें अब प्रेशर है वो जनरेट होगा, और इसके बाद आपको जो टाइम है एक बीप की आवाज़ आएगी, इसका मतलब है कि आपकी राइस डन है। लेकिन ये है कि डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप कौन सा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं 10 मिनट के बाद जो इसका प्रेशर है वो उसको मैं रिलीज़ करूँगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब प्रेशर पूरा रिलीज़ हो जाए उसके बाद आपने इस ढक्कन को खोलना है। सही, उससे पहले नहीं, उससे पहले खुलेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं, सेफ्टी लॉक भी है। अच्छा, अब इसकी स्टीम रिलीज़ करेंगे, और उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। सही, अब देखते हैं कि राइस बनी कैसे, बिकॉज टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरे वाह,
अच्छा इसमें स्टील का कोई भी स्पून आपने यूटेंसिल यूज नहीं करना, इसके साथ आते हैं इनके प्लास्टिक स्पून। और ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे साथ जुड़े हुए नहीं है। बाकी इतने जो खिले खिले लफ्ज होते हैं ना चावलों के लिए, जो आपका मैं जब भी बनाती हूँ अंडर कोक्ड ओवर कोक्ड उसी के चक्कर में रहती हूँ कि भाई चावल में थोड़ी कसर रहेगी नादिया, कसर रहेगी, और अब इसमें राइस बनेगी तो कोई कसर नहीं रहेगी। वेरी राइस इज रेडी, गार्लिक राइस जी। व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम बनाएंगे हेल्दी फाइबर ड्रिंक और इसको हम बनाएंगे फिलिप्स ब्लेंडर में। अच्छा इसमें ये एक कप बर्फ शामिल की है और ये कोकोनट मिल्क है। बड़ा ट्रॉपिकल ब्रीज ड्रिंक कोई बन रही है जी जी, और पाइनएप्पल है, कोकोनट मिल्क है, तो थोड़ी सी पीना कुलाड़ा का भी इसमें आएगा, इसमें टेस्ट है ना, वही टेस्ट है, वही बन रहा है, बस उसमें एडिशन है बनाना। और ये पाइनएप्पल्स, अरे अच्छा इसमें मैं हनी शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पीना ना बस, सही ठीक है। अच्छा अच्छा मुझे इसकी जो ब्लेंडर है इसके कलर, इसका इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही है एंड इट्स वेरी हैवी। दूसरा ये कि हम किसी नॉर्मल कन्वेंशनल ब्लेंडर में जब भी ब्लेंड करते हैं कुछ शेक बनाते हैं, मेरा तो ना मैं देखा है यहाँ से गिरने शुरू हो जाता है, उसमें लीकेज हो जाती है, चंक्स रह जाते हैं फ्रूट्स के, तो इसमें ये फायदा है कि बिल्कुल ब्लेंड कर देगा, मतलब हमें फुल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो भी हमने फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। और इसकी बहुत एयर टाइट लिड है, मैंने देखा बहुत हैवी एयर टाइट लिड, ताकि ब्लेंडिंग के दौरान जितना उसमें प्रेशर है उससे कोई भी लिक्विड बाहर ना आए, व्हिच इज अमेजिंग, वरना हमेशा एक मेस बन जाता है मिल्कशेक बनाते हुए घर में। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे, ये ऑन किया और मैं जस्ट ये बटन प्रेस करूंगी इसका। अच्छा आइस का अलग उसमें ऑप्शन है जी, आइस के लिए अलग है। ओके ये बिल्कुल रेडी है। और इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी बना सकते हैं आप, इसमें ओट्स डाल के या अपना प्रोटीन पाउडर आप डालना चाहते हैं और फ्रूट्स नट्स सीड्स एनीथिंग एंड इट बिकम्स अ पावर शेक। ओके और ये देखिए आई लव द टेक्सचर, कितना क्रीमी है, बेहतरीन से ये रेडी है और ये फॉरेन टेस्ट होगा, वेरी स्मूथ। अच्छा वो लोग जो समझते हैं कि सारे ब्लेंडर्स एक जैसे होते हैं, शेक ही बनाना है ना, मिक्स ही होना है, दैट्स नॉट ट्रू, हर ब्लेंडर का एक अपना अलग रिजल्ट होता है और एक अलग किस्म का शेक मिलता है। जी जी इट्स वेरी नाइस। और इसका ये फायदा है कि ये आइस को भी बिल्कुल क्रश कर देते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आइस के चंक्स आ रहे हैं। आई कैन नॉट फील द आइस, कहाँ है आइस, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब आप शेक या स्मूदी पी रहे हो और उसमें जब आइस के चंक्स आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, स्पेशली फिर जब बच्चों का भी हो तो उनको भी नहीं पसंद। इतना फाइन शेक है ना, मुझे इसमें पाइनएप्पल फील हो रहा है, बनाना तो खैर बिल्कुल ही गायब हो गया, आइस कब किसने डाली आई कांट टेल, इट इज दैट स्मूथ एंड अमेजिंग यम। हमारा जितना ये फाइन ब्लेंड हुआ है, इतनी देर तो हमने ब्लेंड नहीं किया, कुछ सेकंड से किया, नहीं जस्ट 30 सेकंड सिर्फ। ओह वाओ और कितना परफेक्ट रिजल्ट आया इसका, वेरी स्मूथ। अच्छा थोड़ा सा रीकैप करते हैं रेसिपीज का। होल रोस्टेड चिकन मेड विद एन फिलिप्स एयर फ्रायर, गार्लिक राइस मेड इन फिलिप्स प्रेशर कुकर और ये फ्रेश सीजनल ड्रिंक जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। होल रोस्टेड चिकन के अज्जा, गार्लिक राइस के अज्जा, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक के अज्जा, आई होप यू एंजॉयड आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिलिप्स हेल्दी किचन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ईट विदाउट अ वरी।